हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान यार। दोस्तों, सॉलिटरी रेक्टम अल्सर सिंड्रोम के बारे में जानेंगे कि भाई ये बीमारी क्या है। कई लोगों में होती, बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारी होती है और बहुत परेशान रहते हैं। समझेंगे इस बीमारी के बारे में, तो वीडियो को पूरा देखें संपूर्ण जानकारी के लिए। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम लाते हैं मेडिकल की सारी इंफॉर्मेशन, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, मेडिसिन के रिव्यू और हेल्थ केयर टिप्स, मेडिकल साइंस की सारी जानकारी यहाँ पे मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो मैं हूँ एक फार्मासिस्ट शिवम, तो शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अगर बात की जाए सॉलिटरी रेक्टम सिंड्रोम की या अल्सर सिंड्रोम की, तो एक्चुअल में क्या होता है, जो हमारा जो पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसका एक लास्ट का पार्ट होता है, जिसे बोलते हैं रेक्टम, या बोल सकते हैं हिंदी में गूदा द्वार, जहाँ से आदमी मल त्याग करता है। ठीक है ना, तो ये जो बहुत सेंसिटिव होता है और कई लोगों को इस पार्ट पर, इस एरिया पर बवासीर हो जाता है, लेकिन ये बवासीर नहीं है, ये बिल्कुल अलग चीज़ है। एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों, कि इसके जो इस बीमारी में SRUS बोलते हैं, इसे स्रस भी बोल देते हैं कई बार, तो इसमें रेक्टम एरिया में एक छाला हो जाता है, बहुत बड़ा छाला हो जाता है, और ब्लीड भी होता है कई बार, ब्लीडिंग भी हो जाती है कई बार। ठीक है ना, और दर्द होता है, आदमी कंफ्यूज रहता है कुछ दिनों तक कि भाई कि मुझे कहीं बवासीर तो नहीं हो गया। वो बवासीर अलग चीज़ हो जाती है, जो रेक्टल की मसल्स होती हैं वो बाहर आ जाती हैं, उनमें से ब्लेड होने लगता है, तो वो बवासीर कहलाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, रेक्टम एरिया के गूदा द्वार के अंदर की तरफ कहीं पर कोई छाला बन जाता है, तो इसे बोलते हैं सॉलिटरी रेक्टल अल्सर सिंड्रोम। तो ये बहुत रेयर है और बहुत क्रोनिक कंडीशन होती है। ठीक है ना, बहुत रेयर है, हर किसी को नहीं होता है, बहुत कम होता है लोगों को, ये समझ लो कि 1000 में से एक आध किसी व्यक्ति को ये हो सकता है, बहुत रेयर है। बात करेंगे भाई ये समस्या होती ही क्यों है, कि भाई लोगों को इस तरह की समस्या होने लगती है। तो देखो, कॉन्स्टिपेशन एक सबसे बड़ा एक कारण होता है हर बीमारी में, कि भाई आदमी को कब्ज़ है, पानी वगैरह कम पीते थे, बहुत ज़्यादा ताकत लगाते हैं और इस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो कॉन्स्टिपेशन सबसे बड़ा एक कारण माना जाता है। उसके अलावा रेक्टल प्रोलैप्स, कई बार क्या होता है कि रेक्टल एरिया के अंदर की जो मसल्स हैं वो कई बार ढीली पड़ जाती हैं, वो कई बार बाहर की तरफ आने लगती हैं। ठीक है ना, तो इस कारण भी उनमें अल्सर्स डेवलप हो जाते हैं। कुछ खाने पीने की चीज़ें भी होती हैं दोस्तों, जो कि वहाँ पर जाके अल्सर बना सकती हैं, कुछ हार्ड मटेरियल होता है जो कि वहाँ पर जाके इंजरी कर सकता है और अल्सर डेवलप कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, कि ये कैंसर नहीं होता है। ठीक है, लगता है ऐसा है कि भाई कैंसर है, लेकिन ये कैंसर नहीं होता है, बवासीर नहीं होता है, ये सिर्फ जस्ट एक अल्सर होता है, और ये ठीक भी हो जाता है। अच्छी बात ये है कि ये ठीक हो जाता है अगर सही समय पे इसका इलाज किया जाए। इसके कुछ लक्षण भी देखे जाते हैं, जिन व्यक्तियों को ये समस्या होती है वो कैसे पहचाने। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि भाई जब भी आप इस तरह की समस्या से जूझेंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, जब भी आप मल त्याग करेंगे ऐसा लगेगा कि भाई आपने अच्छे से नहीं कर पाया, इनकम्प्लीट फील करेंगे आप कि भाई अच्छे तरीके से पास नहीं हुआ है। ठीक है ना, स्टूल पास अच्छे से नहीं हुआ है, या गैस सी बनना, पेट में दर्द होना, या थकावट बनी रहना, हाथ पैरों में मतलब सुस्ती सी बनी रहना, और मूड ठीक ना रहना। ठीक है ना, आदमी चिड़चिड़ा रहता अपनी इस समस्या को लेकर, तो ये इसके कुछ लक्षण देख रहे हैं। डायग्नोसिस की बात की जाए कि भाई किस तरह से चेक किया जाता है इस समस्या को, तो भाई देखो एक स्कोपी इन्वेस्टिगेशन होती है, जैसे बोलते हैं क्या, सिग्मोइड स्कोपी में क्या होता है कि सिग्मोइडोस्कोपी में क्या होता है कि इसमें रेक्टम एरिया में एक स्कोप होता है, एक दूरबीन होता है, वो डाल के देखा जाता है। एंडोस्कोपी जैसा ही होता है बेसिकली, एंडोस्कोपी मुँह से की जाती है, इसको रेक्टल एरिया से किया जाता है, तो कैमरा आपको डिस्प्ले पर पूरा अल्सर को शो कर देता है। उसके अलावा MRI से ही पता चल जाता है कि भाई मसल्स की क्या स्थिति है, कितना बड़ा जो है अल्सर है। ठीक है, साथ ही अल्ट्रासाउंड से भी पता चल ही जाता है, तो ये इसकी कुछ जांचें की जाती हैं। ट्रीटमेंट्स के लिए बहुत सी चीज़ें होती हैं दोस्तों, यहाँ पे अगर बात की जाए इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, तो डाइटरी चेंजेस करना पड़ते हैं, जो आप नॉर्मल खा रहे हैं वो चीज़ नहीं खाना रहती है, तेल मिर्च मसाला ये सब बंद किया जाता है, फाइबर युक्त पदार्थ जो होते हैं जिनमें फाइबर्स की मात्रा ज़्यादा होती है, ताकि आपका पेट ठीक रहने लगे, आपका पाचन तंत्र ठीक हो जाए, तो ऐसे फूड को ऐड किया जाता है डाइट के अंदर। लिक्विड डाइट ज़्यादा दी जाती है, ठीक है ना, और कच्चा खाना नहीं दिया जाता, हमेशा उबला हुआ पका हुआ खाना दिया जाता है। साथ ही कुछ दवाइयाँ होती हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स, कुछ जो pH को मेंटेन करते हैं, प्री एंड प्रोबायोटिक्स दवाइयाँ वो चलती हैं, सेप्टागोन, सेफोडॉक्सिन, इनसे भी आराम मिल जाता है, एजिथ्रोमाइसिन और
इस तरह के बहुत सारे एंटीबायोटिक्स होते हैं, वो डिपेंड करता है डॉक्टर की चॉइस के ऊपर कि वो क्या देंगे। तो कुछ मेडिकेशंस स्टेरॉयडल ड्रग्स इन्फ्लेमेशन वगैरह को कम करने के लिए, कुछ मल्टीविटामिन्स को चलाया जाता है, और साथ ही कुछ लाइफस्टाइल में चेंजेस लाना पड़ते हैं, जैसे कि आदमी से आपको गुड बिहेव करना है, उसको योगा एक्सरसाइज इन सब की आपको हैबिट डालने को रहती है। के बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर सर्जरी पर जाया जाता है। इसमें क्या होता है, रेक्टम एरिया को ही निकल दिया जाता है। जब अगर छाला जो होता है अल्सर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो रेक्टम को ही रिमूव कर दिया जाता है। फिर जो ओपनिंग होती है वो अलग तरीके से की जाती है, वो पेट के आसपास से एक छेद करके वहाँ पर ट्यूबिंग फिट की जाती है। तो ये होता है क्या, सॉलिटरी रेक्टम अल्सर सिंड्रोम। आई होप आप इसके बारे में समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और आप देख रहे थे ज्ञानियर द मेडिकल चैनल, मैं हूँ शिवम। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।